इस्लामिक अमेरिकन कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब रियाज में आज शुरू हो गई है। इसमें शिरकत के लिए वजीर आजम पाकिस्तान भी सऊदी अरब पहुंच गए हैं, जहां पर वो गवर्नर सऊदी अरब और दीगर हुकाम से मुलाकात भी करेंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम के हमरा हुसैन नवाज और उनकी जौजा भी मौजूद हैं। मुशीर खारजा सरताज अजीज, मुजीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ भी उनके हमराह मौजूद हैं। वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया जब वो सऊदी अरब पहुंचे, रियाद के हवाई अड्डे पर पहुंचे। जहाज से बाहर आने पर सऊदी हुकाम वहां पर मौजूद थे। उसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ की मुलाकात हुई सऊदी वली अहद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से। आज मुलाकात हुई है, इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे वजीर आजम। इसी पर मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब, फरमाइएगा, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें वजीर आजम ये इशू उठाएंगे कि पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी में, कितनी कामयाबियां हासिल की हैं, किस कदर आपको लगता है कि सूदमंद होगी ये? देखिए, आपको इल्म है कि इस असल कॉन्फ्रेंस का जो महवर और मरकज है वो तो अमरीकी सदर ट्रंप हैं, जो अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर यहाँ पहुंचे और कल से ही उनके सबब इस कॉन्फ्रेंस को अहमियत हासिल हुई है। यहाँ तक जो अरब समिट है या इस्लामी वाली कॉन्फ्रेंस है, उसका बाकायदा इजलास आज शाम को, यानी अगर मैं दो घंटे के फर्क से देखूं तो वो 4 बजे होना है, जिसमें कीनोट एड्रेस अमरीकी सदर ट्रंप का और सऊदी अरब के बादशाह सलमान का होगा। और उसके बाद फिर ये बाहमी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। और आज आमतौर पर इतवार को आपको इल्म है कि यहाँ छुट्टी नहीं होती, लेकिन रियाज में मुकम्मल तौर पर छुट्टी है और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम है। और जैसे मैंने कहा कि जो खासतौर पर जो अमरीका और सऊदी अरब का जो माहदे हुए हैं, जो बहाल हिस्ट्री में इतने बड़े माहदे नहीं हुए, उसकी टोटल तो $380 बिलियन बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें $120 बिलियन सिर्फ डिफेंस में, यानी जो है सऊदीया जो है वो उनसे खरीदेगा। तो वो के बजायर इसे आप अरब समिट कह सकते हैं, कुछ इसको अरब नाटो समिट भी कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी जो सबसे बड़ी अहमियत इसलिए है कि अमरीकी सदर ट्रंप अपने यहाँ के आगाज कर रहे हैं, इसके बाद वो इसराइल जाएंगे, फिर आगे दीगर इलाकों में जाएंगे। तो अब देखना यह है कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ अभी अभी आप जिस सब से बात कर रहे हैं, तो हम उसके मजीद कन्वेंशन सेंटर में पहुँच गए हैं जहाँ अब इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा कुछ देर बाद आगाज होने वाला है। ठीक है, मुझे